नमस्कार, मैं डॉक्टर तारकिशोर गुप्ता, फिजिशियन, मिशन हॉस्पिटल बरेली। आज हम आपके सामने एक बड़ा ही अच्छा विषय प्रस्तुत कर रहे हैं और वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। यूँ तो ये काम आम चीज़ है, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे देश में हाइपरटेंशन के शिकार हैं। आखिर होता क्या है हाइपरटेंशन? क्या होता है कि जब हमारे हार्ट जो है ब्लड पंप करता है तो उस वक्त जो ब्लड की नलियां है, नलिकाएं हैं, उस पे जो प्रेशर पड़ता है उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उच्च रक्तचाप का बढ़ना। अब ये कई लोग को जैसे कि पता होता भी है और कई लोग को नहीं भी पता होता है कि ब्लड प्रेशर उनमें है या नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि नए नए जब मरीज आते हैं तो उनमें सिम्टम्स नहीं भी पाए जाते हैं और वो अपने आप धीमे धीमे एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं कि ये जीवन के लिए काल का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए कभी कभी हम ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि कैसे कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है किसी मनुष्य में, चाहे वो नर हो या फिर नारी हो, सब में जो है ब्लड प्रेशर का खतरा बना रहता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग खाने में अगर ज़्यादा सोडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ऐसा खाना जिसमें पोटेशियम की कमी है, या फिर अगर कोई अल्कोहल लेता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई मोटापा जिसके अंदर ज़्यादा है, कोई फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव है, कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, कोई खेल कूद नहीं करते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं ज़्यादा लोग, जो लोग स्ट्रेस लेते रहते हैं किसी तरीके का, चाहे वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, चिंता हो, वैसे लोगों में ब्लड प्रेशर होना ज़्यादा आम बात है। वैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो कई बार इसके लक्षण दिखाई देते हैं और कई बार नहीं दिखाई देते हैं। इसमें जैसे कुछ लक्षण ऐसे भी हैं, सुबह सुबह जो है सर में पीछे की तरफ दर्द होना, कभी कभी आँखों के तरफ दर्द होना, कभी कभी कानों में जो है सीटी बजना, इस तरीके से कभी कभी बेहोशी छा जाना, इस तरीके से बहुत सारे, इसमें नींद नहीं आना, इस तरीके से कई तरीके के इसमें सिम्टम्स आते रहते हैं। ये सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में नहीं भी मिलते हैं, तो इसी वजह से ये कई बार ये ब्लड प्रेशर जो है घातक रूप धारण करके और लोग जो है बहुत ही पालीस के रूप में पैरालिसिस अटैक हो जाता है उनमें, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। किसी किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब अगर किसी को पता है ब्लड प्रेशर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है और किसी को पता होने के बावजूद भी हम अपने आप की केयर नहीं कर रहे हैं, हम जो है अपने अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधार रहे हैं, मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है जीवन का खतरा बना रहता है। और ये बीमारी जो है हमें कभी कभार जो है स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब है कि हमारा जो है एक अंग, दो अंग, किसी भी अंग में लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है, हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, गुर्दे की परेशानी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से होने को हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हमें पता है तो हम इसके बारे में कैसे ध्यान रखें अपना, ताकि हम अपने आप को भी सेव कर सकें, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में एजुकेट कर सकें और दूसरे लोगों को भी बता सकें कि ब्लड प्रेशर से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उससे कैसे बच सकते हैं। देखिए क्या है, आमतौर पर किसी भी चीज़ का हमें पता ही है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब ये कि हम जल्दी से दवाई ना लेते हुए उसके लिए हम लोग रोकथाम ज़्यादा करें तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा भी, और इसमें कोई ये महंगा है भी नहीं। हम अपना जो है लाइफस्टाइल बदल कर बहुत ही सामान्य जीवन जी सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और अपना जो है नुकसान नहीं करेंगे ऐसे में।
तो इसमें दो तरीके की चीजें हैं, जो एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा होता है मेडिकेशन। मतलब हम खुद में जो है अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर व्यायाम करें, कम से कम आधे घंटे डेली के हिसाब से हम अगर व्यायाम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फलदायी चीज होती है। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन के केस में आजकल जो है एक नया डाइट जो आने लगा है उसको हम बोलते हैं डैश डाइट। डैश डाइट आखिर होता क्या है? डैश डाइट का मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। मतलब ये कि हम खाने पीने में ऐसा कुछ बदलाव करें जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, बढ़े नहीं। जैसे कि जो खाद्य पदार्थ जो हमारे रसोई घर में किचन में जो नमक होता है उसमें हम देखें कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। गांव में क्या होता है, लोग ऐसे तो नमक नहीं नहीं दिखता है, बल्कि वो किसी भी रूप में, जैसे कोई पापड़ ज्यादा लेता हो, कोई अचार ज्यादा लेता हो, कोई चटनी ज्यादा लेता हो, तो इन सब चीजों में क्या होता है कि ये जो नमक है वो ज्यादा मात्रा में होता है बट ये दिखाई नहीं देता है। तो हमें खास करके इन चीजों का भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो है अगर कोई लोग नींद नहीं आती है तो प्रॉपर नींद लें, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस जितना कम से कम हो सके, किसी भी तरीके का स्ट्रेस कोशिश करें ना लें, योगा करें, व्यायाम करें। अपना जो है अगर कोई किसी को स्मोकिंग की हैबिट है तो अपना स्मोकिंग छोड़े, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए। किसी को अल्कोहल लेने की बहुत ज्यादा आदत है तो अपना अल्कोहल को कट शॉर्ट कर दें। अगर ना लें तो बहुत बढ़िया बात है, अगर लेना भी है मैं तो कहूंगा कि ना ही ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन कट शॉर्ट, इसको कट शॉर्ट कर दें या फिर ना लें, वो सबसे अच्छी बात रहेगी। साथ साथ जो है हम अपना जो है नींद प्रॉपर एक समय के हिसाब से जल्दी सोएं, जल्दी जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये दोनों अच्छी बातें होती हैं। इसके बावजूद हम अपना ब्लड प्रेशर जो है रेगुलर चेकअप करते रहें। ब्लड प्रेशर अब आजकल जो है इसके लिए हमें घर पे भी मॉनिटर मिल जाता है, जो डिजिटल बीपी मशीन्स मिल जाती है, इससे हम घर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो है मर्करी वाला थर्मामीटर भी मिल जाता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना ब्लड प्रेशर बार बार चेक करने के लिए। इसके साथ साथ अगर इन सब चीजों से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है किसी भी वजह से, तो ऐसी स्थिति में हमें दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है। बहुत सारी दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो है ये हम पेशेंट के नीड के हिसाब से वो दवाइयां हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। और मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि इन सारी बातों पर अमल करें और कोशिश करें कि हम अपने आप को खुद में स्वस्थ रखें, दूसरों को बताएं, ज्ञान दें, जितना हो सकता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। थैंक यू सो मच।